रहा है बिल्कुल गलत है, ये सरकार की नाकामी है। इन्होंने समय पर खाद देना चाहिए, समय पर लाइट देनी चाहिए। लाइट की भी प्रॉब्लम है, यहाँ 4-5 घंटे लाइट देते हैं जी, जबकि ये कहते हैं कि 8 घंटे देते हैं, 8 घंटे बिल्कुल लाइट नहीं देते, उसमें 3-4 तो कट मार देते हैं जी। तो इसका उद्घाटन किया है जी, उद्घाटन करने के बाद और ये कैंसिल भी हो चुका है, ये भी सत्य है जी। देखिए एक सीएम जो कहता है लोगों के आगे, तो एक राजा जो कह दिया तो काम करना चाहिए, प्रजा उसकी कह रहे हो। देखिये यहाँ चरम सीमा गुंडागर्दी चरम सीमा पर है, मैं मानती हूँ इस चीज को, लेकिन आपने कहा विधायक यहाँ से कांग्रेस का, कांग्रेस का विधायक है, लेकिन यहाँ चलती थी नहीं कांग्रेस की विधायक थी जी। मैम नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी मैम अपना नाम बताइए पहले। जी मेरा नाम सरोज चौधरी है और मैं महिला कांग्रेस की हरियाणा की उपाध्यक्ष हूँ जी मैम। और मैं आज नव वर्ष पर आज सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। सभी अपनी तरक्की करें, अपने मंगल जीवन की कामना करें, जो भी मन में सोचा विचारा है सभी का पूर्ण हो। और मैं आशा करती हूँ हर किसी का दिन दशहरा और रात दिवाली की तरह मने। नव वर्ष की एक बार फिर से शुभकामनाएं देती जी मैम। बातचीत करते हैं महेंद्रगढ़ की छत्र की जी। तो महेंद्रगढ़ छत्र में चलने के लिए सड़कें नहीं है, आए दिन धूल माटी है, वो मिट्टी है उड़ती रहती है, लोग काफी परेशान है, आए दिन हादसे हो रहे हैं, इसके बारे में बताइए जी। जी देखिए सड़क का मुद्दा हमारे महेंद्रगढ़ का तो बहुत ही बड़ा मुद्दा है और आपको भी पता है, सभी महेंद्रगढ़ वासियों को पता है कि जो हमारी मार्केट कमेटी है वो हमारी भंग हो चुकी है और इसके हमारे क्या चल रहा है अभी आए दिन चलते चलते हमारे ये जो SDM साहब के पास चार्ज गया हुआ है और SDM साहब एक सरकार के नुमाइंदे हैं, उनको ये काम स्पीड से करना चाहिए था। अभी करीब 1.5-2 महीना हो चुके हैं, सारा रोड हमारा सड़कों सारी फाड़ के तो डाल दी है लेकिन हमारा बना बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और इसके चलते हुए मैं ये बताना चाहूँगी SDM साहब को बहुत जल्दी से जल्दी ये काम पूरा करना चाहिए। ये जो स्लो स्पीड में काम हो रहा है, बिल्कुल ही स्लो स्पीड में काम हो रहा है, कहते हैं ना बिल्कुल ही 0% काम हो रहा है महेंद्रगढ़ में, कोई काम नहीं हुआ है भाजपा सरकार में और सड़क हमारी बिल्कुल टूटी हुई है, सारे लोग परेशान हैं। मैम काफ़ी दिन हो गए SDM साहब के पास चार्ज आई हुई है, फिर भी काम है काफ़ी तेजी से हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं हो पाया? देखिए ये कमी कहाँ माने हम, कहीं ना कहीं किसकी कमी माने इसमें? ये सारी की सारी कमी हमारी सरकार की है, भाजपा सरकार की है। हमारा जो यहाँ से भाजपा के पहले प्रतिनिधि थे वो काम होने नहीं दे रहे और जो हमारे अब यहाँ से कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, हमारे विधायक राव दान सिंह जी हैं, ये काम कराना चाहते हैं, बहुत स्पीड से कराना चाहते हैं काम, तो लेकिन क्या है सरकार इसको काम को डिले करती जा रही है। मैं सुनने में कुछ लोगों के मुंह से ये भी सुनने में आ रहा है कि जो कांग्रेस के लोग हैं वो ये सोचते हैं कि भाई बीजेपी में, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, लोग सड़कों के बारे में गाड़ी बकेंगे तो बीजेपी को बकेंगे, और बीजेपी वालों का ये मानना है कि महेंद्रगढ़ से विधायक कांग्रेस का है, लोग कुछ कहेंगे तो कांग्रेस वाले को कहेंगे, ये क्या चला हुआ है? देखिए ऐसा बिल्कुल बिल्कुल ये सत्य है, लोग तो ये सोचेंगे लेकिन जो कांग्रेस का विधायक है हमारे रावदान सिंह जी, इन्होंने तो विधानसभा में भी क्वेश्चन उठाया है, सीधा अध्यक्ष महोदय से पूछा है भाई महेंद्रगढ़ में ही ऐसा क्यों, महेंद्रगढ़ के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? पूरे हरियाणा में शायद ऐसा किसी भी जिले में नहीं है जी, किसी भी जिले में ऐसा नहीं है लेकिन महेंद्रगढ़ में जो ये सड़कों का टूटा हुआ हाल है, इससे देखिए सरकार को भी बहुत इससे हानि होती है। हमारे क्या साधन जो टूटते हैं वो किसके टूटते हैं, आम इंसान के साधन टूटते हैं लेकिन प्रॉपर्टी किसकी है, साधन टूटना भी सरकार का भी तो हानि है, इसमें लॉस है। और मैं आपको बताना चाहूँगी सरकार का लॉस इसमें नहीं है, हमारे भाईचारा है जो वो भी बिगड़ता जा रहा है। आज मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो रहा है, कल आपके का हो रहा है, कितने लोगों की यहाँ एक्सीडेंट हो चुके हैं, कितने लोगों की मौत हो चुकी है, मौत हो चुकी है कितने लोगों की, तो ये क्या है? ये देखिए बिल्कुल ही जनता इससे दुखी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए और महेंद्रगढ़ को प्रायोरिटी पर लेकर यहाँ की सड़कों की मुरम्मत करानी चाहिए। मैं अपना महेंद्रगढ़ क्षेत्र है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर लोगों के पास इतनी कमाई के साधन भी नहीं है और चलने के लिए सड़कें तक नहीं है, इसके बाद बावजूद धमाकेदार धड़ाधड़ चलान हो रहे हैं सरकार की तरफ से, गरीब व्यक्ति के चलान काटे जा रहे हैं, किसी का 5,000 का तो किसी का 7,000 का, वो कहाँ से भर पाएगा, कि क्या चला हुआ है मामला? देखिए ये जो चलान प्रतिक्रिया चलाई हुई है ये बिल्कुल गलत है, अरे चलने के लिए रोड ही नहीं है, आप चलान किस लिए काट रहे हो जी? साधन जो लेके जा रहा है वो पता कहाँ कहाँ से बचा बचा के निकाल निकाल के जा रहा है, उसका साधन तो टूट रहा है, उसकी जो भी व्हीकल है वो टूट रहे हैं, डबल मार हो रही है, डबल मार हो रही है। एक जो सड़क टूटती है वो किसका कसूर है, एक ड्राइवर का या चलाने वाला या उसका कसूर नहीं है, जनता का कसूर नहीं है, ये कसूर सरकार का कसूर है, वो हल्की क्वालिटी के, वो
यूज करते हैं जिससे सड़क है वो टूट जाता है जी, हल्की क्वालिटी यूज करते बना। अभी हमारे जो हमारी सरकार थी कांग्रेस सरकार थी, आप जब का आप कार्य उठा के देखिए और आप भाजपा सरकार जब से आई है जब अब आप कार्य उठा के देखिए, बिल्कुल ही सड़कों का आप कंपैरिजन करके देखिए, सड़कें अब बिल्कुल टूटी हुई हैं, 1% भी सड़क ऐसी नहीं है। पैदल चलने के लिए लोग दुभर हो रहे हैं, साधन तो जब चलेंगे ना पैदल चलने के लिए दुभर हो रहे हैं। रोडों पर इतनी धूल मिट्टी हो चुकी है, जो आस पड़ोस के घर हैं घर वालों को जो बसते हैं बस्तियों में दमे की शिकायत हो चुकी है इस महामारी के टाइम में। एक तो महामारी इतनी फैली हुई है, ऊपर से ये धूल मिट्टी के कारण दमे की भी शिकायत बहुत ज्यादा। दुकानदार भैयों का देखो क्या हालचाल, क्या हाल हो रखा है, रावतुल्ला राम चौक से लेके आप कोर्ट रोड तक जाइए जी, व्यापारियों का बिल्कुल बिजनेस चौपट है, कोई उनकी बेचारों की आमदनी नहीं है, बिल्कुल उनका बिजनेस 0% हो चुका है। इतनी धूल मिट्टी में कौन ग्राहक आएगा, कोई गाहक नहीं आता, बेचारे सारा दिन ही उसको बंद करके दुकान के बाहर रहते हैं खड़े हुए, कभी अंदर कभी बाहर, बिल्कुल ये सच्चाई है। व्यापारी भाई बहुत दुखी है इस चीज से। तो मैम एक और बड़ा मामला चला हुआ है, किसान जो गरीब व्यक्ति हैं अपने यहाँ आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर रहते हैं, परंतु न तो उनको समय के ऊपर DAP खाद मिला, न ही अब यूरिया मिल रहा है, यूरिया की भी मारामारी चली हुई है। देखिए ये दक्षिणी हरियाणा, आप ये सोच के चलिए दक्षिणी हरियाणा बिल्कुल ही कृषि पर निर्भर है, यहाँ न ही तो कोई फैक्ट्री है न ही कोई इंडस्ट्रीज है, जितना भी है कृषि पर निर्भर है। और कृषि पर निर्भर होने के कारण यहाँ बरसात भी, मैं आपको बताना चाहूंगी हरियाणा में सबसे कम बरसात महेंद्रगढ़ और इलाहाबाद में होती है, वो क्या कारण है, यहाँ सूखा पड़ता है जी, पानी की यहाँ कमी है, पानी बहुत नीचे गया हुआ है। और रही बात खाद की, खाद और आप यूरिया खाद DAP खाद देखिए, बिल्कुल यहाँ जो सरकार की ये नाकामी है, किसानों को बिल्कुल समय पर खाद नहीं दी जा रही। बेचारे किसान, एक गरीब किसान होता है, किसान के पास कितनी जमीन होती है, बड़े जमींदार भी नहीं, छोटे छोटे खेतों के जमींदार, एक एक दो दो किला उनके पास है, उसी में अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। यहाँ से मैं आपको बताना चाहूँगी आर्मी में भी बहुत हमारे बच्चे हैं, है? आर्मी में जो बच्चे गए हैं वो किसानों के ही बच्चे हैं जी, तो इस क्षेत्र का तो वैसे ही इन्होंने ध्यान देना चाहिए जी, है ना। तो यहाँ जो ये किसानों के लिए जो भी ये हो रहा है बिल्कुल गलत है, ये सरकार की नाकामी है। इन्होंने समय पर खाद देना चाहिए, समय पर लाइट देनी चाहिए, लाइट की भी प्रॉब्लम है यहाँ, 4-5 घंटे लाइट देते हैं जी, जबकि ये कहते हैं कि 8 घंटे देते हैं, 8 घंटे बिल्कुल लाइट नहीं देते, उसमें 3-4 तो कट मार देते हैं जी, है? तो पानी न समय पर खेती को पानी मिल रहा है, ना यूरिया मिल रहा है, खाद मिल रहा है, तो ये सरकार की नाकामी आगे है, किसान लोग दुखी हैं इससे। मैं महेंद्रगढ़ क्षेत्र में एक और बड़ा लोगों के साथ एक तरीके से कह सकते हैं भद्दा मजाक हुआ है, युवाओं को रोजगार के सपने दिखाए गए थे और लोगों को ये कहा गया था यहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ आएंगी, क्या कभी ऐसा हुआ है जिस चीज़ का CM साहब उद्घाटन कर दे और वो कैंसिल हो जाए? देखिए जो हरियाणा का CM होता है, हरियाणा का किसी भी स्टेट का CM होता है, CM होता है, वो राजा होता है उस स्टेट का, और ये हमारे साथ हुआ है, ये बात नहीं नहीं हुआ है हमारे साथ, हमारे CM श्री मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ उद्घाटन करके गए हैं IMT का, और उन्होंने कहा था कि यहाँ IMT बनेगी, और वो उद्घाटन हुआ है, आज तक वहाँ कुछ भी काम नहीं हुआ है, ये हमारे युवाओं के साथ भद्दा मजाक हुआ है। सुनने भी ये भी तो आया था कि कैंसिल कर दिया गया है यहाँ से, बहुत ही पहले ये इसका उद्घाटन किया है जी, उद्घाटन करने के बाद और ये कैंसिल भी हो चुका है, ये भी सत्य है जी। देखिए एक CM जो कहता है लोगों के आगे, तो एक राजा जो कह दिया तो उसको काम करना चाहिए जी, प्रजा उसकी बातों को सत्य मानती है। एक CM ही जब थोड़ी इस तरह की उद्घाटन कर रहा है फिर उसको कैंसिल कर रहा है, ये तो प्रजा के साथ भद्दा मजाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। युवाओं को रोजगार के सपने दिखाए और वो रोजगार के सपने धरे के धरे रह गए हैं, बिल्कुल युवा लोग दुखी हैं और इस चीज को नहीं करना चाहिए था। इससे पहले भी एक बार भद्दा मजाक हो चुका है, मेडिकल कॉलेज सुनने में आया था कि पाली गांव में आ रहा है और वो कोरियावास नारनौल स्थित बनाई भी दी गई है बिल्डिंग उसकी जी। ये हमारे देखिए हमारे जो प्रतिनिधि तो जब था हमारे शर्मा जी थे, तो ये उनकी कमी है, मानते हो ना आप, ये उनकी कमी है। यहाँ जब एक चीज हम अपने सरकार में लेके आए थे, कांग्रेस सरकार में यूनिवर्सिटी आई थी, यूनिवर्सिटी के साथ सभी फैकल्टीज आती हैं, तो एक मेडिकल कॉलेज भी यहाँ आ था, लेकिन यहाँ से उठा के कोरियावास में ले जाना ये भी गलत है, ये हमारे सिर्फ प्रतिनिधित्व की कमी थी
मैं महेंद्रगढ़ से विधायक कांग्रेस का है और महेंद्रगढ़ में जो गुंडागर्दी है वो अपने चरम पे है। आए दिन लोगों के घरों के शीशे टूट रहे हैं, किसी की गाड़ी छीन ली जाती है तो किसी की बाइक छीन ली जाती है, या किसी के घर के अंदर परिवार में घुसकर परिवार के सभी सदस्यों को पीट कूट दिया जाता है, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। जी बिल्कुल आप सत्य कह रहे हो। देखिए यहाँ चरम सीमा, गुंडागर्दी चरम सीमा पर है, मैं मानती हूँ इस चीज को, लेकिन आपने कहा विधायक यहाँ से कांग्रेस का विधायक है, लेकिन यहाँ चलती तो नहीं ना कांग्रेस की विधायक की। हमने बार बार कहा है अपने विधायक जी के आगे में, हमने खुद बैठ के भी कहा देखिए जी ऐसे हो रहा है, विधायक जी तो फोन करते हैं लेकिन आगे क्या है, अफसर उठाते नहीं, कहते नहीं, सारा का सारा ये इस भाजपा सरकार की करनी धरनी है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। अधिकारी क्या करते हैं, अधिकारी सिर्फ अपनी जेब भरते हैं, पुलिस प्रशासन लिपापोती करती है, बिल्कुल कोई काम नहीं करती, क्रॉसिंग केस बनाने के चक्रों में रहती है, और एक पार्टी को ऊपर भाई एक आ गया बंदा उसके साथ ये काम हुआ है, लेकिन साथ साथ दूसरी पार्टी का तुम ऐसे कर दो ऐसे कर दो लिपापोती पर लगे रहते हैं, अपनी जेब भर रहे हैं। या पुलिस प्रशासन नाम की कोई चीज है ही नहीं, नाकाम है बिल्कुल सरकार। जी आपके पास हरियाणा कांग्रेस उपाध्यक्ष का पद भी है फिलहाल, और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। आए दिन पेपर है वो लीक हो रहे हैं, बच्चे यहाँ से दूर दूर जा रहे हैं, महेंद्रगढ़ के बच्चों का सेंटर अम्बाड़ा होता है, पंचकुला होता है या दूसरे अदर स्टेट होता है, 300 से 400 किलोमीटर बच्चों को जाना पड़ता है और फिर पेपर लीक हो जाता है, बच्चे सारी रात हैं सर्दी में ठंड में बिताते हैं, उसके बारे में देखिए मैं बताना चाहूंगी, ये भी एक सरकार की नाकामी है, बिल्कुल गलत है। देखिए ये जो फॉर्म भरे जाते हैं इसमें लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं, हमारी बेटियां भी जाती हैं बाहर एग्जाम देने के लिए, 300-400 किलोमीटर यहाँ से यमुनानगर भेज दिया, यमुनानगर के बच्चे महेंद्रगढ़ भेज दिए। अरे पॉलिसी बनाइए आप, 50 किलोमीटर के एरिए में आप रखिए, उसको जरूरत ही नहीं इतना लंबा चौड़ा भेजने की, एग्जाम ही तो दे रहे हैं। अच्छा एग्जाम देने के बाद भी क्या होता है, पेपर लीक हो जाता है, दोबारा से हो जाता है, पुलिस का पीछे पेपर हुआ था वो लीक हो गया, कितना नुकसान है ये भी सारा का सारा हमारे युवाओं के ऊपर बहुत गलत असर पड़ रहा है, इस चीज का गलत है, सरकार की नाकामी है ये सारी की सारी। मैम बातचीत करते हैं नशे की जी, तो आजकल के युवा बच्चे हैं काफी नशे की तरफ अग्रसित हो रहे हैं, हम देखते हैं बाजार में भी देखते हैं गाँव में भी देखते हैं, उसके बारे में बच्चों को कुछ कहना चाहोगे आप? जी बिल्कुल कहना चाहूंगी, आज के युवा वर्ग को ये सोचना चाहिए, देखिए नशा है जो ये उनकी शरीर को बिल्कुल ही ख़त्म कर देगा, नशे की तरफ तो बच्चों को जाना ही नहीं चाहिए, उन्होंने अच्छा अपना पढ़ाई लिखाई करके अपनी सर्विस की तरफ ध्यान देना चाहिए, एक किसान परिवार से बच्चा है तो उसको ये सोचना चाहिए उसकी कितनी मेहनत से कमाते हैं पेरेंट्स, और उसको ये नशे की लत पड़ गई है। मैं देखती हूँ बाजार में भी छोटी छोटी दुकानों पे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, 20-20, 15-15, 16-16 साल के बच्चे हुक्का रखे हुए हैं, उनको ये नहीं पता जो हमारी हुक्का की प्रथा थी वो पंचायत के बीच में जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो समझौता करते थे, कोई पंचायत होती थी उस टाइम पर हुक्का रखा जाता था, ये तो एक भाईचारे का प्रतीक होता था, अब लोगों ने इसको बच्चों ने क्या कर लिया लत बना ली है, ये गलत है, बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए, अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए, अपनी सर्विस की तरफ ध्यान देना चाहिए, और ये समय जब निकल जाएगा तो तब ये बच्चे पछताएंगे। तो मैं ये हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ अपने युवाओं से कम इस लत को छोड़ें, ये लत बिल्कुल गलत है, बुरी बात है। और युवाओं से एक बात मैं और कहना चाहूँगी, हमारे यहाँ इस इलाके में विशेषकर देखिए दहेज भी बहुत चरम सीमा पर है, तो जब हमारे युवा आगे आएंगे भी हमें इस दहेज को भी ख़त्म करना पड़ेगा। तो जी जैसे कि आप महिलाओं के लिए भी गरीब परिवारों के लिए भी अच्छे कार्य करते हैं, आए दिन अच्छे कार्य करते रहते हैं, ठीक है, अपने क्षेत्र का एक दहेज का मामला काफ़ी चर्चित रहा था कुछ दिनों पहले का मामला है, ऐसा ही था, लड़का और लड़की आपने आकोदा की थी, करेट्टा गाड़ी को लेकर मामला बिगड़ा हुआ था, उसके बारे में बताइएगा। जी देखिए ये बिल्कुल एक हमारे समाज की कुप्रथा है, और दहेज तो न तो हमें लेना चाहिए नहीं हमें देना चाहिए, युवाओं को आगे आना चाहिए इस मामले में, हम जब युवा खुद हमारे बच्चे आएंगे एक हमें दहेज नहीं लेना और नहीं देना, और उस बेटी की तो मैं बड़ाई करती हूँ, उस बेटी ने तो बहुत हिम्मत का काम किया है, जो उसने एक नॉर्मल सा एक सब इंस्पेक्टर लड़का लग गया था, वो करेट्टा मांग रहा था, सरेआम मांग रहा था, उसकी माँ भी दहेज के लिए कह रही थी, उनका माँ बेटे का दोनों का प्लान था किसी तरह से धन को हड़पा जाए, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लिए जाए, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी ऐसा गलत था, उसको सजा मिलनी चाहिए, है ना, और हमारे समाज में इस तरह की जो ये कुप्रथाएं हैं इनको बचना चाहिए।